सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल घर दी कंटीन विच। ते अज मैं तुहाडे वास्ते एक सिंपल ही पनीर दा परौंठा दी रेसिपी लैके आई हाँ, जिहड़ा कि बड़ी आसानी नाल तैयार हो जाता है। ते वीडियो शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं यह कहना चाहनी हाँ कि तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो, ते लाइक भी करियो, ते कमेंट करियो, ते वध तों वध शेयर भी करियो। चलो फिर चलिए पनीर दे परौंठे दी तैयारी करन, आ जाओ। ये सारे समान मैं पहले ही तैयार कर लिया है। इहदे विच मैं आटा गुन्न लिया है। तो आटे विच मैं थोड़ी जी सुकी मेथी, थोड़ा नमक, तो थोड़े जे मैं सफेद तेल पाए ने, तो 2 चमचे मक्की का आटा पा के आटा तैयार कर लिया है। तो मैं एक प्याज बरीक कटिया होया है, थोड़ा धनिया, तो थोड़िया जी हरे लसन दियां भूकां, तो थोड़ा लसन कुट लिया है, थोड़ी जी अदरक, 3 मिर्चा, तो यह मैं धनिया तो जीरा कुटिया होया है, थोड़ी जी काली मिर्च कुटी हुई है। तो यह पनीर है, इनू तुसीं कद्दूकश भी कर सकते हो जां हाथ नाल भी मैश कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हुंदा है, आसानी नाल हाथ नाल भी मैश हो जाता है। तो हुण आपां इहदी फिलिंग तैयार करते हैं। मैं इनू हाथ नाल ही मैश करांगी, मैं हाथ नू चंगी तरह धो लिया है, तो हुण मैं इनू मैश करांगी। देखो किन्नी आसानी नाल इह हाथ नाल ही मैश हो गया है। तुसीं इनू कद्दूकश नाल भी मैश कर सकते हो। हुण आपां इहदे विच थोड़िया जी कालिया मिर्चा पावांगे, थोड़ा कुटिया होया धनिया, तो जीरा पावांगे, थोड़िया जी लसन दियां भूकां, थोड़ा प्याज। इहदे विच तुसीं कट्टी हुई हरी मेथी भी पा सकते हो, तुहाडी अपनी चॉइस है। थोड़ा लसन, थोड़ा अदरक, थोड़िया हरिया मिर्चा। हुण इहदे विच आपां, मैं थोड़ा नमक आटा गुन्नण लगे भी पाया सी, ते इस करके मैं घट ही नमक लवांगी, थोड़ा नमक, थोड़ी जी देगी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर। हुण मैं इहनू चंगी तरह मिक्स कर लवांगी। फिलिंग साड़ी बन के तैयार है। तो हुण आपां परौंठे की तैयारी करते हैं। परौंठा बहुत ही टेस्टी लगता है, तो बच्चे भी बड़ा खुश होकर खाते हैं। परौंठे वास्ते जो फिलिंग सी असी सारी तैयार कर ली है, तो हुण आपां परौंठा बनाने हैं। सब तो पहला आपां एक पेड़ा लवांगे, क्योंकि ये परौंठा है थोड़ा वड्डे आकार का हुंदा है, तो जिहड़ी परौंठी है थोड़ी छोटी हुंदी है, तो इसलिए आपां पेड़ा इस तरह लवांगे। हुण इहनू थोड़ा आपां सुक्का आटा लावांगे। हुण आपां इहनू थोड़ा वेल लवांगे। हुण इहदे विच आपां फिलिंग पाने आ। फिलिंग तुसीं अपने हिसाब नाल घट जां ज़्यादा भी पा सकते हो, जां कोई चमचा, 1 चमचा 2 3, क्योंकि आप परौंठे बनाते रही तो इस हिसाब ने अंदाजा हो जाता, तो इसलिए मैं इस तरह ही पानी हूँ फिलिंग। इनू इस तरह आपां हुण बंद कर लेना है। इस तरह है, देखो जिवें ना परौंठा थोड़ा हवा भर जाती इनू बंद करन ते, तो इनू आपां हवा नू इस तरीके नाल कर देना, तां जो इहदे विच जिहड़ी हवा भरी हुंदी है ना वह बाहर निकल जाती है, तो साडा परौंठा फट। ते टूथपिक नाल असीं इनू इहदे विच इदां शेक कर लिया कि तां जो इहदी जिस टाइम असीं इहनू वेलणा ना, इह सैडा तो फटे ना। इहनू हुण मैं सुक्का आटा लगा लिया है, तो हुण वेल बड़े आराम नाल वेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं वेलना, दूजी साइड तो पलट के फिर आपां इस तरह वेल लवांगे। परौंठा इस तरह का होना चाहिए है कि उसकी फिलिंग बाहर नज़र आवे। यह देखो फिलिंग पूरी नज़र आ रही है ना, आपां की परौंठे च पाया सब नज़र आ रहा है। तवा साडा बिल्कुल गर्म है, तो हुण आपां इहनू सेकदे हां। इहनू थोड़ी मीडियम फ्लेम ते ही सेकांगे। हुण
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਘਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰੌਂਠੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰੌਂਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਸੇਕਤੇ ਨੂੰ ਸੇਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਲਿੰਗ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।